परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वह है अपने भक्तों को जिन्हें उसने अंधकार में से छुड़ाकर ज्योति की संतान होने के लिए बुलाया जिससे कि वे ज्योति के गुणों को अपने जीवन में प्रकट करें इस बात को दर्शन रखते हुए परमेश्वर भावी दिनों में किस प्रकार की घटनाएं घटेंगी उन तमाम घटनाओं को प्रकाशित वाक्य में जो भविष्यवाणी की किताब है उस पर लिख कर के यशु के आगमन के पहले वाले लोगों के लिए भी वो कहीं ना कहीं चेतावनी और तैयारी का विषय दिया चाहता है सो हमने देखा था कि प्रकाशित वाक्य की उन्नीस अध्याय के, के ग्यारहवें में की दर्शन में यहुन्ना यह देखता है कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है और आगे बाइबिल में हमने देखा तेरव पद में कि वह लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम है परमेश्वर का वचन वर्ड ऑफ गॉड और हमने पहले यह भी देख रखा था कि वचन और कोई चीज नहीं वरन परमेश्वर के मन के अंदर पाया जाने वाला वह आत्मिक आंदोलन है या डिवाइन प्लान है या वो जो कुछ करना चाहता है अदृश्य संसार में रहकर दृश्य संसार में जिन घटनाओं को वह घटित किया चाहता है उस योजना को हम वचन कहते हैं एक और से वचन परमेश्वर का दिमाग है The word of God is the mind of God the word of God is the desire of God the word of God is the way to move over the material world the word of God is the divine plan for his creation परंतु यहां दर्शन में उसे एक व्यक्ति के रूप में आकलित किया जा रहा है और श्वेत घोड़े पर विराजमान है और वह पुरुष की तरह है और उसने वस्त्र भी पहन रखे हैं और उसके वस्त्र शुद्ध मलमल के हैं जरूर परंतु उसमें लहू छिड़का हुआ है इसलिए उस पर विश्वास किया जा सकता है और वह सत्य है और धार्मिकता उसके पास पाई जाती है और न्यायिकता भी पाई जाती है और वह धार्मिकता और न्याय के आधार पर हरकत भी करता है लड़ाई और उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं उसका अपना सिर भी है जिस पर कई राज मुकुट रखे गए हैं और उसका एक नाम है जिसको वह स्वयं जानता है और कोई दूसरा नहीं अब तक हम जो वचन है उसको सांकेतिक रूप में सांकेतिक रूप में दिए गए नाम के द्वारा हम उसके अद्भुत कामों को देख रहे हैं जहां हमारा उद्धार हो जाता है उद्धार करता कोई नाम नहीं है वरन काम है यीशु का मतलब ही होता है द डिलीवर उसका ओरिजिनल नाम तो हमको बाद में पता चलेगा ये है वो परमेश्वर का वचन जिसका नाम परमेश्वर का वचन संकेतिक अब हम आगे चलना चाहते हैं चौदहवें पद में बाइबिल हमें बताती है स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है अब आपके पास एक बड़ा प्रश्न ये है स्वर्ग की सेना ये सेना आई कहां से कौन सी सेना है क्या वे स्वर्गदूत हैं? क्या वे मिकाइल के साथ में काम करने वाले योद्धा हैं बल योद्धा हैं इसके लिए हमें थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा ये जो श्वेत घोड़े पर सवार जो स्वर्ग की सेना है वो स्वर्गदूत नहीं है जिब्राइल मिकाइल और उसके साथ लड़ने वाले योद्धा वे नहीं है वरन ये वो संत लोग हैं जिन संतों को प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके बारहवें अध्याय में एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े थी और पैर के नीचे चांद था और उसने अपने सिर पर सात तारों वाला बारह तारों वाला मुकुट पहन रखा था बारह तारे बोलने से इब्राहिम से इजहाक और इजहाक से याकूब और याकूब के बारह पुत्र जो बारह गोत्र बने गए और जो चौबीस प्राचीन परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द पाए जाते हैं वे चौबीस प्राचीन दोनों नियमों में से पुराने नियम में पुराने नियम से बारह गोत्र के प्रतिनिधि जो भौतिक रीति से परमेश्वर की प्रजा ठहराए गए इब्राहिम के वंशज में पैदा होने के द्वारा और दूसरा नए नियम में बारह प्रेरितों के आधार पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो की विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्य बन गए वे लोग बारह तारे धारित स्त्री जिसके सिर में सूर्य है और पैर में चांद है वर्ल्डवाइड विश्वासियों का समूह जिसमें वह सी एन आई मेथोडिस्ट जॉकोबाइट मेनोनाइट पेंटिकॉस्टल इन सबको नहीं पहचानता यह परिचय आपको मुबारक हो परंतु परमेश्वर को इन सब संस्थागत नामों से कोई लेना देना नहीं है वह संपूर्ण धरती पर रहने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों का समूह है और वे जो प्रेरितों ने नींव डाली है फीसियों की किताब और उसके दो बीस में बाइबिल कहती है कि प्रेरितों और भविष्यताओं की एपोस्टोलिक फाउंडेशन इन द प्रोफेटिकल फाउंडेशन प्रेरितों और भविष्यताओं के द्वारा डाली गई नींव के आधार पर बनाई हुई विश्वव्यापी कलीसिया इसलिए सात साल के महाक्लेश में जो बारह तारों धारण की हुई स्त्री का जो विवरण मुकुट में देखा गया है होना चाहिए चौबीस इसलिए ये जो बारह तारे वाली बारह तारों का मुकुट पहन करके जो स्त्री है जो गर्भवती है जो चिल्लाती है क्योंकि उसको प्रसव पीड़ा हो रही है वह बारह गोत्रों के लोग हैं और आपको जानकारी मिले इन बारह गोत्रों का कहीं ना कहीं जो इसराइली हैं यहूदी हैं इनका उद्धार सुनिश्चित है प्रभु अपने लोगों के पास पहले गए थे परंतु बेटों ने अपनी रोटी फेंक दी इसलिए कुत्तों ने चूरचार खा के उद्धार पाया था हम अन्य जातियों पर परमेश्वर की दया इसलिए हुई क्योंकि बेटों ने रोटी को अस्वीकार कर दिया इसीलिए वे दूसरे आगमन में उठाए जाने के लिए डिस्कवालीफाइड हो गए क्योंकि यीशु के नाम के बिना पिता तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता बकाया नहीं है मैं ही दरवाजा हूं मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता और जो भी दरवाजा छोड़कर दाया बाया से आए वे चोर और डाकुओं की गिनती पर होगा इसलिए परमेश्वर अपनी यहूदी और इज़राइली प्रजा को चोर और डाकुओं के नाम से अंगीकृत नहीं किया चाहते हैं और इस कारण से परमेश्वर ने इनका चुनाव किया कि मैं पीड़ा की दशा में तुम्हारा उद्धार कराऊंगा और एलिया और मूसा अपनी महिमा की देह में इस धरती पर आते हैं और साढ़े तीन साल तक यीशु ही प्रभु और उद्धार करता है इस बात के विषय को केंद्रीकरण करते हुए वे संपूर्ण यहूदी समुदाय को असुरियों को और मिस्रियों को और रेस्ट ऑफ द पीपल जो यीशु के दूसरे आगमन में उठाए नहीं गए हैं उनको चेतावनी के लिए संदेश देते रहे हैं